हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर थर्टी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ चैप्टर टू शेप्स एंड एंगल्स ओके सो आवर टॉपिक इज डिग्री क्लॉक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम हियर. ओके तो डिग्री क्लॉक से हम आज डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट अपो एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड अपो हेड द स्ट्राइकर अपो और किट्टू क्या कर रहे हैं कैरम बोर्ड खेल रहे हैं है ना आप लोग को भी अच्छा लगता होगा कैरम बोर्ड खेलना है ना सो वॉट ही इज से इट कम्स बैक एट द सेम एंगल ये कहता है कि ओ ये सेम एंगल पे कैसे आया ये सोच रहा है ना कौन सोच रहा है ये ओके इन द पिक्चर थ्री पॉइंट्स ए बी सी आर शोन यू कैन सी द कैरम बोर्ड थ्री थ्री डॉट्स आर देयर ए बी सी है ना ड्रॉ द आइन टू शो फ्रॉम वेयर पॉइंट विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गैट द क्वीन अब आपको बताना है कि किट्टू को कहाँ पर हीट करना है कि उसको ये क्वीन मिल जाए ओके जैसे ये तीन डॉट आपको दिख रहे हैं तो इसमें से वो कहाँ से हिट करेगा तो अगर वो ए से हीट करेगा आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ए से हिट करेगा तो ये वाला जो एंगल है ये इसके अकॉर्डिंग सेम बनेगा है ना तो ये सेम बन जाएगा यहाँ से ऐसे तो फिर ये स्ट्राइकर यहाँ से जाके डायरेक्ट इधर आएगा इसको हिट कर देगा है ना सो so इसको ये क्वीन जो ही है कैरम बोर्ड वाला ये मिल जाएगा ओके सो नेक्स्ट पेज पे आपको एक डी बनाने के लिए कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है पेपर को एक लेना है आपको पेपर उसको गोल गोल कट करके फिर उसको हाफ 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 करके आपको तब तक, तक मोड़ना है वन फोर्थ पार्ट तक मोड़ना है ना जो ये वाला पार्ट है ये इतने तक आपको मोड़ देना है फिर उस पेज को खोल देना है और जब खोल दोगे तो ऐसे उस पर जब लाइने आ जाएंगी पेज को मोड़ने के बाद जब हम खोलते हैं तो उस पर लाइने आ जाती है ना तो फिर उस पर आप ऐसे नाम लिख दोगे जीरो डिग्री फोटी फाइव डिग्री है ना जैसे इस पर लिखा हुआ है और फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो आप एंगल को मेज़र करने के लिए ठीक है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी ऐसा आपको डी दिख आ, मिलता है जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना जिसमें सारे आ, आपको प्रोडक्टर और ये डिवाइडर ये सब होता है तो उसमें आपको ये डी मिल जाएगा ओके यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेज़र द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स इज़ द मेज़र ऑफ इज़ द मेज़र ऑफ द राइट एंगल मतलब आप ये जो Uh, ये एंगल डी से जब मेजर करोगे तो आपका राइट right एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का है ना यहाँ पे आप देख सकते हो ये 90 डिग्री का है यहाँ पे है ना रेड डॉट यहाँ पे किया हुआ है 90 डिग्री का है ना तो 90 डिग्री के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे राइट right एंगल के लिए 90 डिग्री लिखेंगे ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैन यू गेस हाउ मैनी डिग्रीज इन द एंगल विच इज़ हाफ ऑफ आर राइट एंगल तो राइट right एंगल का हाफ कितना होगा तो राइट right एंगल का हाफ़ 90 है, 90 है राइट एंगल मीन्स 90. तो 90 का हाफ कितना होगा 45 है ना आप ऐसे भी निकाल सकते हो 90 मल्टीप्लाई अ वन अपॉन टू हाफ़ है ना तो टू वन जे टू हम कट करेंगे एक ही टेबल से हमको नीचे ऊपर दोनों कट करना है ओके सो so, टू वन जे टू टू फोर जा एट एक बच गया और ये ज़ीरो है तो ये टेन हो गया तो टू फाइव जा टेन सो वी विल गेट फोर्टी फाइव ओके सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे फोर्टी फाइव डिग्री अब है वन थर्ड ऑफ राइट एंगल तो ये भी हम ऐसे निकाल लेंगे नाइन्टी का one third, ना? so, वन थर्ड है न सो थ्री वन जे थ्री 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 या नाइन और एक ज़ीरो यहाँ पर पुट करेंगे सो so, थर्टी वन जा थर्टी यानी कि हम सेकेंड में क्या लिखेंगे थर्टी थर्टी डिग्री ओके टू टाइम्स ऑफ राइट एंगल तो नाइन्टी डिग्री का टू टाइम्स मीन्स नाइन टू जो एटीन सो so, क्या हो जाएगा 180 डिग्री ओके सो इस तरह से आप यहाँ पे ये लिखोगे एंगल ठीक है नेक्स्ट है मीज़र द राइट मीज़र द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज नंबर थर्टी पेज नंबर थर्टी पे वो एंगल मीज़र करना है जहाँ से किट्टू ने वो स्ट्राइकर को हिट किया था है ना तो फिर आपको पता चलेगा वो कितने डिग्री का एंगल है नेक्स्ट है एंगल सी इन अ पेपर एरोप्लेन अब पेपर एरोप्लेन से एंगल बना के दिखाया हुआ हुआ है मतलब कि पेपर का एरोप्लेन बनाने के स्टेप्स दिए हुए हैं और किस तरह से एंगल बन रहे हैं वहाँ पे तो ये आई एम श्योर आप सबको आता होगा पेपर से एरोप्लेन बनाना एंगल्स विद योगा अब योगा के थ्रू देखो किस तरह से एंगल बन रहे हैं रहमत इज़ डूइंग योगा दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसनास ही डज एवरी डे ये देखो वो डिफरेंट तरह के आसनास करता है डेली और आप सभी को करना चाहिए इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ है ना सो so, देखो फर्स्ट वाला जो है ये क्या है फर्स्ट वन जो है ये राइट right एंगल है बिल्कुल ये एल शेप दिख रहा है हमको है ना और ये वाले जो दोनों हैं ये एक्यूट एंगल है मीन्स 90 डिग्री से छोटे हैं लेस देन राइट एंगल और ये वाला जो है देखो ये एल से थोड़ा सा बड़ा जा रहा है है ना ये इसके पैर भी थोड़े इधर जा रहे हैं है ना तो ये भी नाइन्टी डिग्री से बड़ा है यानी ऑप्टूज एंगल है दोनों मोर देन नाइन्टी डिग्री एंड दिस वन ऑल्सो मोर देन राइट एंगल एंड दिस वन ऑल्सो एक्यूट एंगल क्योंकि ये छोटा सा ही है, है ना तो ये अक्यूट एंगल है एस्टिमेट द मेज़र ऑफ मैनी एंगल्स एज यू कैन मेड बाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल डूइंग आसनास आपको भी इस तरह से ट्राई करना है आसनास करके कि आप किस तरह से एंगल बना सकते हो द डी गेम हेयर इज़ अ डी गेम यू कैन प्ले विथ योर फ्रेंड्स यू ड्रॉ एन एंगल योर फ्रेंड विल गेस द मेजर ऑफ दैट एंगल आपको एक एंगल ड्रॉ करना है लाइक like दैट आपने ये एंगल ड्रॉ कर लिया है ओके okay. आपका फ्रेंड को मेजर करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है तो so उसने ये मानो कि 80 डिग्री उसने गैस किया फिर आप उसको इस एंगल को किससे मेज़र करोगे इससे ठीक है डी से मेजर करोगे आपकी जोमेट्री बैक्स बॉक्स में ये होगा कैसे मेजर करो ये डी वाला पार्ट कर, जो ये सेंटर पार्ट है ना ये आपको यहाँ पर रखना है ठीक है ये सेंटर पार्ट को यहाँ पे रखोगे और ये लाइन जो है डी की ये वाली नीचे वाली लाइन ये इसके ऊपर रखोगे ओके okay? देखो फिर से मैं बताती हूँ आपको कैसे मेज़र करना है एंगल ये हमारा एंगल है ओके तो जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इसके सॉरी जो ये वाला पार्ट है ना ये सीधी लाइन जो है इसके ये मिडल वाली लाइन में जो ये डी में मिडल वाली लाइन है ये इसके ऊपर रहेगी ठीक है इस वाली लाइन के ऊपर और जो ये वाली लाइन है ज़ीरो डिग्री वाली जीरो डिग्री वाली लाइन आपको इस लाइन के ऊपर रखनी है ओके सो इस तरह से आप डी यहाँ पर पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा एंगल कहाँ पे बन रहा है और कौन सा बन रहा है ओके तो मानो कि उसने 80 मीजर गेस किया और आपने जब मेजर किया तो वो कितना था 85 था मतलब 5 पॉइंट उसके यहाँ पे स्कोर हो गए सो यू विल राइट हेयर 5 ओके गेस कितना किया 80, मेजरमेंट में 85 आया तो उसके 5 पॉइंट हो गए ओके इसी तरह से आप ये गेम खेलते रहोगे कंटिन्यू फिर जिसके सबसे कम स्कोर होंगे Uh, देखो यहाँ पे लिखा है वन विद द लोएस्ट स्कोर विल विद द विनर है ना मतलब उसका गैस बिल्कुल सही है इसीलिए उसके स्कोर कम है तो वो विनर हो जाएगा है ना सो हेयर योर चैप्टर इज फिनिश्ड ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे